बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के इस कार्यक्रम के संचालक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गैड़ाखोर की सम्मानित माताएं, बहनें, नौजवान भाई, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग और हम उम्र के नए लड़के, आप सभी को आपकी अनिता द्विवेदी के तरफ से सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन और नमन है। आज 14 अप्रैल 2023 है। आप लोगों के बीच में यह मेरा तीसरा साल है। तीसरे साल के प्रोग्राम में इस बार मैं आई हूँ। पहली बार जब आई थी तो आप लोगों के बीच में एक प्रत्याशी बन के आई थी। उस समय इसी 14 अप्रैल को पंचायतों का चुनाव चल रहा था, कोई बीडीसी लड़ रहा था, कोई ग्राम प्रधान ही लड़ रहा था, और उसी 14 अप्रैल 2021 की गर्मी में आपकी बहन जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बहुत बड़े बड़े महारथियों के बीच में लड़ रही थी। 2021 में जब आए थे और आज 2023 में आए, इस बार लगभग भीड़ कुछ कम है। 2021 में बड़ी भीड़, यहाँ प्रचंड भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और मुझे वही प्यार मिला था जो आज मिला है। जब 2021 में आई तो यही मेरी नन्ही नन्ही बहनों ने, हमारी बेटियों ने, माता तुल्य हमारी माताओं ने, हमारी नौजवान भाभियों ने, हमारे भाइयों ने, और आप जैसे संघर्षशील हमारे साथियों ने, सब लोगों ने, किसी ने मुझे आंचल का प्यार दिया, किसी ने मुझे बहन का प्यार दिया, किसी ने मुझे दीदी का प्यार दिया, किसी ने मुझे बेटी का प्यार दिया। मैं अपना प्रचार नहीं कर रही हूं, मैं इसलिए यह बात बताना चाह रही हूं कि प्यार और संगठन में वो ताकत है जिस ताकत से कहते हैं ना, जब कोई बेग चलता है अगर एक तिनका भी गांठ में पड़ जाता है तो रफ्तार धीरी हो जाती है। 2021 में जिस तरह से आपकी बेटी एक अभिमन्यु की तरह अकेले इस बहुत बड़े समर में कूद पड़ी थी, और आप लोगों ने उसी 2021 में ये साबित कर दिया कि आपकी संगठन में बड़ी ताकत है। मैं बीमार हो गई, 18 अप्रैल को मुझे चुनाव चिन्ह मिला, 21 अप्रैल को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, उसके बाद मैं किसी अपने से मुलाकात नहीं कर पाई। जीतने के बाद 4 महीने लगातार मैं आन बेड थी। मेरी माँ तो रो रही थी, मेरे पास पिता नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है, परिवार में मैं इकलौती अपनी माँ बाप की संतान हूँ। हमारी माँ भूल गई थी कि हमारी बेटी चुनाव लड़ रही है, जीतेगी कि हारेगी उसको केवल एक सुध थी, हे माँ मेरी बेटी को बचा लो। वो सुबह शाम केवल यह पूजा कर धार चढ़ावे कि हे भगवान हमारी बेटी वक्त बचाई ले, चाहे हारे चाहे जीते वो बची है। मतलब मेरी माँ भी उम्मीद छोड़ दी थी। जब मेरा परिवार ना उम्मीद हो गया था, उस समय जो मेरी ये माताएं आज आगे बैठी हुई है, इन माताओं के प्यार और दुलार ने मुझे इतना ताकतवर कर दिया था, मुझे इतना ताकतवर कर दिया था कि जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे या मेरी हिम्मत जिनके सामने चुनाव लड़ने की हो गई थी, मतगणना में वो लोग 12 बजे के बाद टिके नहीं थे। इतना वोट आप लोगों ने दिया था मुझे। मैं इसलिए नहीं बता रही कि आप लोगों ने यह काम अनिता द्विवेदी के साथ किया, इसलिए बता रही हूं कि यही अनिता द्विवेदी की जगह पर कभी आपकी अपनी सगी बेटी भी हो सकती है।
आपके समाज की बेटी, आपके परिवार की बेटी बहन मायावती भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन हुई थी। एक दलित परिवार की बेटी थी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी जानकार, और आज भी लोग बहन मायावती के नाम से लोहा मानते हैं, इसको जान लीजिए। दो बार हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली अगर कोई महिला मुख्यमंत्री है तो वो बहन मायावती है। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 402 विधानसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश की राजनीति को रचता है। जब हम लोग कहीं भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, पूरी जिंदगी वह इंसान केवल 65 वर्ष की उम्र उनकी थी। बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो 80 साल, 90 साल, 100 साल, 102 साल जीते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक परिवार का आपके बच्चा, एक हमारे देश का लाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो 1891 में पैदा हुआ और हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश का सबसे बड़ा इतिहास जो संविधान होता है, संविधान लिखने की हिम्मत और बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर किसी ने संविधान लिखा और बोला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला। आज डॉक्टर साहब की देन है। आज जो ये इस प्रतिमा में अमर है, ये आज नहीं आजीवन हम लोगों के दिलों में जीवित हैं, ये अमर रहेंगे, अमर हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे शख्सियत से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे। मैंने अपना चुनाव इसलिए इस सभा से जोड़ा कि ये डॉक्टर साहब की देन है, हमारे संविधान की देन है कि पुरुष प्रधान देश में, पुरुष प्रधान प्रदेश में एक लड़की चुनाव लड़ी, जीत गई, कोई प्रधानमंत्री बन रही है, कोई मुख्यमंत्री बन रही है, कोई आप जैसी बहन और बेटियां ग्राम की प्रधान बन रही है, कोई BDC बन रही है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। अगर संविधान में ना लिखे होते तो आज गांव की प्रधान मुखिया कोई महिला नहीं होती। आप इस चीज को जान लीजिए। आपका अगर अधिकार किसी ने दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पदचिन्हों पर चलने की मैं आप सबसे अपील करती हूँ। और 3 साल लगातार मैंने यहाँ पर एक भी भाषण दिया है, केवल एक भाषण मैंने 3 साल बोला है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, यही डॉक्टर साहब ही बोले थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित रहेंगे, जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप संगठित रहेंगे, और जब आप संगठित रहेंगे, संगठन की वही देन है कि आज आप एक हो गई थी। महिलाओं ने खुद पूरे हमारे वार्ड में, भैया वार्ड नंबर 35 में पूरे 35 की महिलाएं अनीता द्विवेदी हो गई थी। अनीता द्विवेदी ने चुनाव नहीं लड़ा था, अनीता द्विवेदी ने चुनाव नहीं जीता था। हमारी एक एक माता यहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके पहले भी बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य हुए होंगे, मैं तो बहुत छोटी हूँ। बहुत सारे आपके कार्यक्रम हुए होंगे, कोई चुनाव में आ गया होगा चुनाव के बाद तो मुझे नहीं लगता है कभी कोई जिला पंचायत सदस्य किसी भाषण में, किसी मीटिंग में, किसी के सुख दुख में, किसी के शादी विवाह में आ रहा है। लेकिन आपसे मैं बता रही हूं कि मेरी आवाज खराब हो जाती है बोलते बोलते। आप यही अप्रैल चल रहा है, जिस दिन खरमास खत्म होगा, शादी विवाह का दिन आएगा,
एक एक दिन में 10-10, 20-20 निमंत्रण होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितनी लड़कियों की शादी होती है मैं पहले निपटाने का काम करती हूँ। जितने लोग निमंत्रण देते हैं मैं सारे लोगों का निमंत्रण निपटाने का काम करती हूँ। जिला पंचायत सदस्य के पास मेरी माँ कोई अपना पैसा नहीं होता है। हमारे पास अगर निधि होता तो आज मैं ये कॉलर टाइट करके सीना चौड़ा करके ये नाली बनवा के कहती और जब मैं आती तो आप लोग मुझे टांग लेती कि अनीता ये नाली बनवाने के लिए कही थी, आज नाली बनवा के आई है। बड़ा दुख होता है। मैंने पहली कार्य योजना में यहाँ की नाली दिया है, पहली कार्य योजना। आप लोगों ने मुझसे एक चीज मांगा है, जब भी मेरे जिला पंचायत में मुझसे कार्य योजना मांगी जाती है तो गैड़ा खोर में दलित बस्ती में नाली निर्माण कार्य का काम ये मैं लिख देती हूँ। दुर्भाग्य है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि आज ऐसे शख्सियत का जन्मदिन है जो दलगत राजनीतिगत चीजों से उठ करके देश के बारे में इनकी बातें कही जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले 2024-25 तक जब मैं अगली सभा में यहाँ आऊं तो आपकी एक ही मांग थी मुझसे कि बेटी नाली बनवा देना। मैं ये नाली बनवाने का काम अगर मेरा सामर्थ्य जिंदा रहा, मेरी बातें अगर उस सदन में सुनी गई तो मैं जरूर बनवाने का काम ये नाली करके तब मैं अगली बार आऊंगी तो आप लोगों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान रहेगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं उस लायक हुई कि मेरे अपनों ने जो मांगा मेरी कलम से वो हो गया। करने वाला तो ऊपर बैठा है, करने वाली शक्ति जिसके पास है वो कर सकता है। हम लोग तो माध्यम है। जिस माध्यम को आप लोगों ने दिया है मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने क्षेत्र की बात जिला पंचायत के सदन में मैं रख सकूं और मैं रखती भी हूँ। आप एक चीज और कहूंगी मैं आपसे, क्योंकि मेरे भाई अब उब रहे हैं, मुझे और भी जगह जाना है यहाँ से। हमारे परिवार में हमारी बहन के ससुर का स्वर्गवास हो गया था, आज वहाँ महा खा रहे थे, वही छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ। कई जगह कार्यक्रम में मैं नहीं जा पाई क्योंकि कार्यक्रम का बहुत लंबा लिस्ट था और मैं अपने घर की अकेली संतान हूँ तो मैं अपनी बहनों के भाई का भी फर्ज निभाती हूँ, माँ के बेटे का भी फर्ज निभाती हूँ। कभी अगर ऐसे रिश्ते में हमसे चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोगों से यही निवेदन है। लेकिन अपनी बात अगर मुझसे कहनी होगी तो बेहिचक बेझिझक आप खींच कर मुझसे बात कर सकती हैं। अंतिम बात यही मैं कहूँगी कि आप लोगों के बीच में जो भी बात रखी गई है मेरी पूरी कोशिश है कि यह काम बहुत जल्दी हो जाए। पूरा विश्वास भी है कि भैया हो जाएगा, उसमें दो राय नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो होने में नहीं दिक्कत है। लेकिन एक अपील के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहती हूँ कि एक बार आप लोग केवल गाने में मत सुनिए, बाबा साहब की बात पर बहुत गौर करिए। उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को घर से निकालिए, पढ़ने के लिए भेजिए। जो दुख समाज की कुरीतियों से हमें और हमारे परिवार को मिलता आ रहा है उसको केवल एक आदमी दूर कर सकता है। एक चीज जान लीजिए, मैं अपनी बात बता दे रही हूँ कि जाति व्यवस्था केवल इसी गांव के लिए है। अगर आपके परिवार का कोई लड़का डीएम हो गया तो वहां जाति व्यवस्था नहीं है, वो डीएम साहब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस गांव की उससे साहब की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करिए, तभी जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की तपस्या सफल होगी, बहन मायावती जी की तपस्या सफल होगी, काशी राम जी की तपस्या सफल होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।